बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे अंदाज से गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, आपने स्किप कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, आपको खून की कमी है या आपकी स्किन शाइनी नहीं है, तो व्यूअर्स ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आपके सारे मसलों का हल आज इस वीडियो में मौजूद है। जूस बनाने के लिए यहाँ पर हमने एप्पल्स लिए हैं और हमने गाजरे लिए हैं और चिकंदर लिया है और लेमन लिए हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ले व्यूअर्स, यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है। एक हमने खाली बाउल ले लिया है और अब हम मशीन को करते हैं ऑन। माशाल्लाह से जूस हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारा जो जूस का कलर कितना खूबसूरत निकला है। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टेबलस्पून हमारे पास काला नमक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें कोई चीनी नहीं जाएगी, कोई और कुछ नहीं जाएगा सिवाय काले नमक के। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास है लेमन, ये लें जी, 2 लेमन का जूस हमने डाल दिया है इसमें और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जूस हमारा रेडी हो चुका है। पहले हम डालेंगे आइस क्यूब जो यहाँ पर हमने बारीक बारीक करके रखे हुए हैं। आप चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जूस। इस रेसिपी की खास बात यह कि आप इसको हफ्ते में 2 दफा भी यूज कर लेना तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि आप ये जूस बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इतना प्योर जूस यकीन करें आपको बाजार से कभी भी नहीं मिल सकता। आप चाहे जितना मर्जी महंगा ले लें, आपको कभी भी फ्रेश जूस नहीं मिलेगा। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।